चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। हम इनसे जानेंगे, सर चारधाम यात्रा को लेकर आपका जो अभिनय प्रयोग था मानसखंड रेल यात्रा भी, वो भी सफल हो रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मानसखंड यात्रा जो है, इसमें 280 जो पर्यटक हैं ये पूना से चले हैं और ये 24 अप्रैल को टनकपुर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है ये जो है हमारे 10 रात और 11 दिन की ये यात्रा है, जिसमें नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, पूर्णागिरी, हाटकालिका मंदिर, सूर्यमंद, कटारमल, कैंची धाम, चिताई गोलू, जागेश्वर धाम, शारदा घाट, पाताल, भुवनेश्वर मंदिर, नानक मत्ता गुरुद्वारा, चंपावत इत्यादि सारी यात्रा के अंदर शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी यात्रा है, इसमें आपको गढ़वाली व्यंजन भी परोसे जाएंगे और ये अपने आप में वहाँ का क्षेत्र का दर्शन कराएगी। तो ये पहला हमारा अभिनव प्रयास है। सर इस बार चारधाम में जो रजिस्ट्रेशन हुए, रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कितनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और क्या कुछ आपके मतलब उत्तराखंड शासन की तरफ से तैयारी की गई? उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनको निश्चित रूप में वो यात्रा कर सकें, सरल कर सकें, सुगम कर सकें, ये हमारा प्रयास होगा। बाकी PWD मिनिस्टर के नाते मैं कहूँगा कि जहाँ भी मार्ग अवरुद्ध होगा उसको खोला जाएगा, JCB तैनात रहेंगे और मार्गों को खोला जाएगा ताकि यात्री जो है बिना किसी संकट के यात्रा कर सके। सर अभी हाल ही में गोमुख के लिए जो ट्रैक था पैदल मार्ग का, उस पर लोग गए थे, उन्होंने बताया कि अभी सुरक्षित नहीं है इस तरीके का ट्रैक वहाँ जाने के। नहीं, अक्सर बर्फ़ पिघल रहा है तो वहाँ अनुमति नहीं थी, गए कैसे मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि समय बर्फ़ पिघल रहा है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम बड़ा फ्रजाइल है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, इस बार जो चारधाम यात्रा में जनरली पिछली बार देखा जाता था, जैसे भीड़ बढ़ती है, हॉस्पिटैलिटी की बात हो, हेली सेवा की बात हो, इस पर उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारियाँ? ये हमारी तैयारियां हैं, हमारे होम स्टे बने हुए हैं, 5,000 से ऊपर हमारे होम स्टे रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमारी पूरी तैयारियां हैं। TRH हमारे रेनोवेट हो गए हैं जी। टोकन सिस्टम भी इस बार लेके टोकन सिस्टम तो दर्शन के लिए हैं, आप टोकन ले लेंगे तो आपको 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लाइन में लग के आप दर्शन कर सकते हैं और फिर आप उस धाम के और स्थलों को भी आप अवलोकन कर सकते हैं। सर EV चार्जिंग स्टेशन ई चार्जिंग स्टेशन हमारे बने हैं ताकि आप रात्रि निवास भी कीजिए और गाड़ी को भी चार्ज करिए, ताकि फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहें। अच्छा सर, इतनी तैयारियां चल रही हैं, एक और बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि वनाग्नि को लेकर, तो बतौर पर्यटन, जैसे नैनीताल की स्थिति गंभीर है तो कैसे पर्यटक आए, क्या स्थिति है, कोई बढ़ावा की बात है? दूसरा वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, इसको रोकना पड़ेगा, इसके लिए अभी हेलीकॉप्टर भी इंगेज किए गए हैं, पानी छिड़कना पड़ेगा, पर मैं समझता हूँ जनता को खड़ा होना पड़ेगा इसको बुझाने के लिए, क्योंकि ये मनुष्य लगा रहे हैं आग, क्योंकि वो सोचते हैं कि साहब ये जल जाएगा तो नई घास पैदा होगी, तो ये हमें करना होगा ताकि सारे गाँव वाले मिल करके इसको बुझाएँ, क्योंकि इससे टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और इससे हेलीकॉप्टर सर्विसेज में बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो निश्चित रूप में ये उत्तराखंड के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो हमें इसे रोकना होगा। आज सर हाई लेवल मीटिंग CM खुद कर रहे हैं हल्द्वानी में, इसके बावजूद बता रहे थे हाई कोर्ट तक पहुंच गई आग, तो बतौर शासन सर आप भी कुछ निर्देश दे रहे हैं? नहीं, हम तो निर्देश दे रहे हैं उसको बुझाया जाए, सब मिलकर इसको काम करें, पंचायतें मिलकर के काम करें, सभी मिलकर काम करें, ये तो बुझाना है जी। इस बार सर हमारे दर्शकों ये जानना चाहेंगे, जो चारधाम यात्रा पे आएंगे देश दुनिया से, वो आश्वस्त रहे इस बार पूरी तरह उत्तराखंड सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए? जी हाँ जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए रास्ता रुकता भी है तो वो घंटों में ही खोल दिया जाता है, तो ज़्यादा लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। सर जो सोने की चोरी वाली बात है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल? नहीं, सोना जो था वो तो प्लेटिंग थी, वो तो एक वर्क लगा था, तो उस पर क्योंकि फूल पड़ते रहते हैं, पानी पड़ता रहता है, स्क्रेपिंग होती रहती है, तो उड़ गया, तो उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है और उस पर प्लास्टिक की कवरिंग हो गई है। अगर अपने मंदिरों के प्रति हम ऐसी भावना रखेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ मंदिरों की इन बातों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसकी जांच हो गई है, कोई भी सोने की चोरी नहीं हुई है, वो प्लेटिंग लगा दी गई है, यथावत हो गया है, अब वो आप जाएंगे आप दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जो बता रहे थे कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं, दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था की गई है, साथ ही EV चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इसके अलावा जो भी पर्यटक आएंगे वो मार्ग अवरुद्ध अगर होता है तो बतौर PWD मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि वो मार्ग अवरुद्ध को आधे घंटे या 1 घंटे में खोल लिया जाएगा। इसके अलावा जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है पूरे उत्तराखंड का, वनाग्नि का, उसको लेकर इन्होंने बड़ा बयान दिया है श्रेष्ठ उत्तराखंड पर, बोले हैं कि ये जो आग लग रही है ये आग लोगों द्वारा लगाई जा रही है, लोगों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है, इसके अलावा सेना की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स खुद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो बहरहाल आप देख रहे थे सतपाल महाराज से, जो बहुत तफसील से जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।